2019 को देखते हुए कलेक्टर दीपक सिंह के निर्देशन और सहायक आयुक्त आबकारी संजीव दुबे के मार्ग कुख्यात तस्कर और कई मामलों में फरार चल रहे आरोपी योगेंद्र की अवैध शराब निर्माण करने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की। कार्रवाई में शराब निर्माण के इस्तेमाल में लाई जाने वाली 15 जर्कीनों में यानी कि 15 ड्रम्स में 525 बल्क लीटर स्प्रिट, 40 पेटी नकली शराब और एक ढक्कन सीलिंग मशीन, पानी फिल्टर करने की बड़ी आरओ मशीन समेत और इन सारे सामानों की कीमत करीब 4,50,000 बताई जा रही है। फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा शुरू कर दी है और लगातार चुनाव से पहले कार्रवाई की जा रही है इस तरह की।